हेलो दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले सोलन के एपिसोड 2018 की पार्ट 1 पर। तो वीडियो सिर्फ नॉल पर बेस्ट होगा। वीडियो शुरू होता है, हम सबसे पहले देखते हैं सेवन टेलर को, जो कि तंग सम से कह रहा होता है, बच्चे मैं भी देख रहा हूँ तुम्हारे पंखे बढ़ गए हैं। सेवन टेलर ने भयानक तरीके से हमारे को पकड़ा होता है और सीधे तंग सम के सिर पर अटैक कर देता है। तंग सम अभी भी सोलन को रिलीज नहीं किया था। सेवन टेलर के हमारे का सामना करते हुए वो कुछ पीछे हट गया और सीख और ट्रायनर को ऊपर किया और उसे कहता है तो शुरू करो। सेवन टेलर ने अपनी सोल टेक्निक रिलीज कर देता है। हमें सेवन टेलर का नाइन रिंग को दिखाया जाता है और अपनी पूरी पावर से तंग सम के ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक को देखकर तंग जो घबरा जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तंग सम और सेवन टेलर का फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। तंग जो को सिर्फ तंग सम की चिंता हो रहा था, क्योंकि तंग सम अभी भी सोल रिंग को रिलीज नहीं किया था। उसके साथ हम देखते हैं एक बहुत बड़ा स्पोर्ट होता है, जिसे तंग जो ने देखा और पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि तंग सम अभी भी ऐसा ही खड़ा होता है। अब सभी लोग यही सोच रहे होते हैं तंग सम इस अटैक में मर गया होगा। इसकी जगह सेवन टेलर बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरा होता है। हम सेवन टेलर का भाव को साफ साफ कांपते हुए देख सकते हैं। अब माउंटेन में भी आवाज गूंज उठी, उसके साथ ही माउंटेन पूरी तरह से कामोश हो जाते हैं। इस सब सीन को देखकर चारों एल्डर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था है। भले ही सेवन टेलर ने इस अटैक में किसी भी सोल रिंग को यूज नहीं किया था, लेकिन ग्रैंड मास्टर के रूप में उनका हैमर का वजन ही 50,000 जिन भारी था। इसकी पावर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। तंग सम ने केवल उस अटैक को रोका, बल्कि सेवन टेलर को ही दूर फेंक दिया, वो भी अपनी सोल रिंग यूज किए बिना। उसके साथ ही हम देखते हैं तंग सम अपनी सीख और ट्राइडेंट को जमीन के ऊपर दस देता है। तंग सम अपनी सोल रिंग रिलीज किए बिना सेवन टेलर का अटैक को रोक सकता है, ये सिर्फ सीख और ट्राइडेंट मुमकिन था। जिसके साथ तंग सम सेवन टेलर से कहता है, क्या मैं एल्डर के साथ चर्चा करने के लिए योग्य हूँ? मैंने एल्डर के साथ गलत या क्रोध नहीं किया है, मुझे सिर्फ अपने पिता के लिए इंसाफ चाहिए। अब सेवन टेलर कहाँ मानने वाला था। अब तंग सम से पिटने के कारण अपनी गुस्से को नहीं रोक पाया, लेकिन वो ये भी समझ गया था कि तंग सम से बचाना इतनी आसान ही नहीं है। उसके साथ ही हमें ब्लैक लाइट दिखाया जाता है, क्लियर्स का हैमर बड़ा हो जाता है। सेवन टेलर ने अपनी सेकंड सॉल्ट टेक्निक यूज करता है। इस समय में तंग जियो ने इसे नहीं रोक सकता था। उसके साथ ही हम देखते हैं तंग सम बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो चुका होता है। सभी डिसाइबल तंग सम को देख रहे होते हैं। सेवन टेलर ने सेकंड सॉल्ट के साथ तंग सम के ऊपर अटैक करने के आगे बढ़ता है, मगर तंग सम जोर से चिल्लाते हुए कहता है रुक जाओ, जिसे सुनते ही सेवन टेलर रुक जाता है। उसके साथ ही सेकंड टेलर तंग सम से कहता है अब तुम्हें क्या कहना है। तंग सम इस पर कहता है सभी शक लोग मुझे विरोध रूप से मानते हैं, यदि मैं इस फाइट में जीत भी जाऊँ मुझे उम्मीद है आप मेरी पिता की बातों को सुन सकते हैं। सेकंड टेलर ने कहा भले ही तुम सेवन टेलर को हरा दो, फिर भी तुम इसके लिए योग्य नहीं हो। उसके साथ ही हम देखे है सेवन टेलर ने गुस्से के साथ तंग सम के ऊपर अटैक कर देता है। तंग सम ट्राइडेंट को राइट हैंड में पकड़ता है और लेफ्ट हैंड से हैमर के ऊपर मारता है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ग्लो होता है। सेवन टेलर का सोच बदल गई, अब उनका दूसरा हैमर उड़ जाता है, वो दोनों हैमर एक हाथ में आ जाते हैं। सेवन टेलर का चेहरा पीला पड़ गया होता है। बाकी के एल्डर और क्लियर्स करके लोग भी हैरान हो गए, ये लोग भी साफ साफ देख पा रहे होते हैं। तंग सम अभी भी सोल रिंग को यूज नहीं कर रहा है। कौन सी ऐसी पावर है सेवन टेलर के ट्विन हैमर को रोक सकता है। ये अटैक तंग सम की लेफ्ट आर्म बोन टेक्निक होता है, यानी कि आर्मी की सोल बोन, और इस टेक्निक का नाम टाइटन जॉइंट वेव लेफ्ट आर्म बोन होता है। और इसकी पहली टेक्निक ग्रेविटी कंट्रोल होती है, और इसका दूसरा टेक्निक जिसे तंग सम अभी यूज किया है, जिसे हम टाइटन पर्मानेंट कैनन नाम से जाने जाते हैं। इस सोल बोन के अटैक ने सेवन टेलर का हालत खराब कर दिया होता है। बिना सोल टेक यूज किए सेवन टेलर को 3 बार पीट गया होता है। अब सेवन टेलर ने गुस्से के साथ साथ डर को भी महसूस कर रहा था। तंग सम की पावर पहले से कुछ ऐसी थी जिसे सेवन टेलर ने समझ नहीं पाया था। तंग सम सभी एल्डर से कहता है सेवन टेलर से जितना वास्तव में कुछ भी साबित नहीं कर सकता, इसलिए मैं 500 एल्डर को चैलेंज करता हूँ, अगर मैं तुम्हें भी हरा देता हूँ तो मुझे बोलने का अधिकार होगा। ये सुनकर तंग जियो को चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाता है। 500 के 500 एल्डर ग्रैंड सोल मास्टर थे। तंग सम के पास ऐसा करने का अपने कारण थे, क्योंकि वो जानता था पर्याप्त के क्या एल्डर्स तंग सम को बात सुनेगी भी। इस तरह से तंग सम अपनी पावर से सभी को भरोसा दिला सकता है। जिसके साथ हम देखते हैं सेकंड एल्डर ने आगे बढ़ता है और सभी एल्डर इनके पीछे पीछे आने लगते हैं। वो लोग अपने अपने सारे सोल्डरिंग को रिलीज कर देते हैं। सेवन एल्डर में इनके पास आ जाता है। ये पार्ट 500 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, भले ही उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तंग सम से हार सकते हैं। यहाँ तक में उनको जीतना भी पूरी तरह से शर्मनाक था, लेकिन उन्हें भी समझ में आ गया था कि तंग सम से निपटना इतना आसान भी नहीं है। तंग सम काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि वो जानता है उस समय उन्होंने विभिदुन के साथ 6 ग्रैंड सोल मास्टर का सामना किया था। ये 500 के 500 एल्डर उसी के बराबर है। उसके साथ तंग सम अपने ब्लू सर एम्परर की स्प्रिट रिंग को रिलीज कर देता है। पूरे 9 रिंग तंग सम के पास दिखाया जाता है। अब ये देखकर 500 के 500 एल्डर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। सभी सोच रहे थे तंग सम के पास ग्रैंड सोल मास्टर की पावर है। सेकंड एल्डर ने तंग सम से कहता है तुमने ये कैसे किया, जिस पर तंग सम उसे कहता है परेशानी से और काफी ज्यादा मुश्किल रास्ते से गुजरने के बाद मैं ऐसा किया हूँ। तंग सम की आंखों में वो चिंता पूरी तरह से गायब हो जाता है। उसके आंखों में तंग सम एक होने वाले शक्ट मास्टर के रूप में देख रहा होता है, और शक्ट के लिए एक न्यू होप दिखाई दे रही होती है। अब तंग सम सीख और ट्रायन को पर करता है। तंग सम के माथे पर सीख और लाइट फ्लैश हो रही होती है, जिसके साथ ही तंग सम अपनी सेवंथ सोल टेक्निक को यूज करता है, जिसे देखकर सेकंड एल्डर का हालत पूरी तरह से खराब हो चुका होता है और कहता है ठीक है, तुम्हारे प्रेजेंट पावर के साथ वास्तव में तुम बात करने के लिए योग्य हो, मैं अपनी पिछले बातों को वापस लेता हूँ। तुमने 500 एल्डर को भड़काया है, उसको हम तुम्हें पनिश करेंगे। यदि तुम इसे आसानी से एक्सपेक्ट करेंगे हम ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। तंग सम इनसे कहता है मेरे पिता गलत नहीं थे और ना ही मैं
गलत। वास्तव में मैं आपको चैलेंज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ वास्तव में 20 सालों में अभी तक सेक्ट ने किया है वो गलत थे। टैंकसन के अंदर से एक भयानक ऑरा निकल रही होती है। इस ऑरा ने 500 कैलोरी की ऑरा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। टैंकसन चिल्लाते हुए कहता है, सी गॉट ट्राइडेंट, 1,08,000 जन बारी है, एल्डर्स केयरफुल रहना। ये कहते हैं पूरे आसमान का कलर गोल्डन ब्लू में हो गया। सेकंड एल्डर ने सभी एल्डर से कहता है, केयरफुल रहना, ये एक डोमेन है। इसके साथ ही 500 एल्डर ने एक परमिनेशन को बना देते हैं, पेंटागोनल परमिनेशन। इन 500 ने कई सालों तक एक साथ कल्टिवेट की है और बहुत ही टाइम पहले इन्होंने इस कंबाइंड टेक्निक को बना लिया होता है। सेकंड एल्डर ने जोर से चिल्लाया, हैमर शेक्स द वर्ल्ड, और 500 एल्डर ने एक साथ क्लेयर्स का हैमर को एक साथ ऊपर उठाया। तुरंत ही आसमान की ओर 5 ब्लैक लाइन दिखाई दी। टैंकसन के ब्लू स्वर डोमेन को ब्रेक करते हुए हवा में ऊपर उठे। ब्लू स्वर डोमेन के अंदर बहुत सारे गोल्डन थ्रेड्स दिखाई दे रही होती, लेकिन एल्डर्स का पेंटागोनल परमिनेशन के कुछ नहीं कर सके। ब्लू स्वर डोमेन दूसरे को कमजोर कर सकता था, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। अगले ही पल उनका आसपास की जगह जलने लगी। टैंकसन के पैर के नीचे एक मैजिकल पैटर्न दिखाई दी। ये सब देखते ही इस पल 500 के एल्डर की पावर और भी ज्यादा तेज हो गई। टैंकसन इसे देखकर अपनी एर्थ सोल टेक्निक यूज करता है, जिसे 500 एल्डर इसमें जमने लगती है। वो लोग एक साथ दहाड़े, टैंकसन एकदम पीछे हटा। भले ही टैंकसन का सोल टेक्निक पीक पर रहा था, टैंकसन का टेक्निक अभी भी खत्म नहीं हुआ था। फिर से एर्थ सोल रिंग प्लेस हो जाता है, जिसे देखकर सेकंड एल्डर कहता है, 100,000 डिग्री की सेकंड सोल टेक्निक। बोलने के साथ सेकंड एल्डर अपनी एर्थ सोल टेक्निक को यूज करता है और इसके साथ ही उनके हाथों का हैमर टैंकसन की ओर घूम गया। उसके बाद सेकंड एल्डर का हैमर डिस्पेयर हो जाता है। इस टेक्निक को अपोर्चिंग हेवन स्ट्राइक कहा जाता है। ये अटैक सेकंड एल्डर का 9th रिंग से भी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ 500 एल्डर में से ये अटैक सबसे ज्यादा पावरफुल था। इस अटैक को रोका जा सकता है और इससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ये अटैक शुरू हुआ, सेकंड एल्डर ने देखा टैंकसन की आंखों में एक ब्लू लाइट दिखाई दी। इस अटैक से सेकंड एल्डर का परमिनेशन और अटैक दोनों ही ब्रेक हो गए। साथ ही टैंकसन के पैरों के नीचे दिखाई देने वाली वो बैरियर 500 एल्डर तक पहुंच गई। तुरंत ही सेकंड एल्डर की जगह थर्ड एल्डर ने ले ली और कमांड को संभालने लगा। क्लियर स्काई बैरियर को एक्टिवेट किया। चारों हैमर आसमान की ओर एक साथ उड़ान भरी। ब्लैक लाइट अचानक में गोल्डन कलर में बदल गए। ब्लू सिल्वर ऑरा के डेविल एनिहिलेशन 500 एल्डर को घेर लिया। साथ ही साथ वो हैरान भी हो गए, उनका अटैक कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। अब टैंकसन कोई भी अटैक नहीं किया, क्योंकि वो समझ गया था 500 एल्डर पर टैंकसन किसी भी टेक्निक से अटैक करेगा, जिससे 500 के एल्डर का सामना करना पड़ेगा। सीग और टाइंड से गोल्डन सर्क निकल रही होती है। उन्होंने हवा को बहते हुए एक एक करके लाइट सर्कल 500 एल्डर को बॉडी को टक लिया, लेकिन क्लेयर्स का स्कूल के लिए चौंकाने वाली बात यही थी, 500 एल्डर के कमांड टेक को भी इससे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इस अटैक को हमने पहले भी देख रखा है। सी गॉड ने टैंकसन को बचाते हुए इस टेक्निक को सिखाया था। टैंकसन पहली बार सी गॉड ट्राइडेंट का 3 टेक्निक को यूज कर रहा है। इसके बाद टैंकसन इसका सेकंड टेक्निक को यूज करता है, जो कि होती है बैरियर स्पेस। जैसे टैंकसन ने इसे यूज किया, उसकी माइंड पावर और सोल पावर थोड़ी सी कम हो गई। इस टेक्निक 500 के कंबाइंड फ्यूजन के साथ टकरा जाता है, एक बहुत बड़ा स्पोर्ट होता है। सेक्ट के सभी डिसेबल पीछे हट जाते हैं। एल्डर का क्लेयर्स का बैरियर पूरी तरह से टूट जाता है, जबकि टैंकसन के पास अभी भी सी गॉड डिवाइन पावर नहीं थी। जब ने सी गॉड इसे यूज किया था, तब से अभी भी अंतर था। टैंकसन के हाथों में सी गॉड ट्रायन दिखाया जाता है। टैंकसन सी गॉड ट्रायन का थर्ड टेक्निक को यूज करता है, अनपिक स्ट्रॉन्ग, जिसने 500 एल्डर को पकड़ लिया। ये 500 एल्डर अभी भी अनपिक स्ट्रॉन्ग की टेक्निक में फंसे हुए थे, इसलिए टैंकसन का सामना नहीं कर सकते थे। 500 एल्डर ने सोल की गहराई तक महसूस किया, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। टैंकसन अपनी राइट आर्म बोन को यूज करता है, जिसका टेक्निक का नाम स्काई ब्लू स्लो विंग गॉड ग्लो थी। इस टेक्निक में सारे एल्डर्स फंस जाते हैं और उनको सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई दे रहा होता है। इसे ब्रेक करने का तरीका कोई तरीका नहीं होता है। दोस्तों, हमारे ये एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नदर।